इकट्ठी हुई लोगों की यह भीड़ और लहूलुहान हालत नाल पुलिस मुलाजम नाल उलझ रहा यह नौजवान तस्वीर अंबाला छावनी दियां ने अते हाई वोल्टेज ड्रामा अंबाला छावनी के रेलवे स्टेशन के सामने का है जिथे ट्रैफिक पुलिस के मुलाजम ने मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान मोटरसाइकिल न रोकने के कारण चेहरे से डंडा मार दिता जिस कारण नौजवान लहूलुहान हो गया और उत्ते खड़े एक नौजवान ने पुलिस मुलाजम न केवल भद्दिया भद्दिया गालियां कढ़िया बल्कि उसके नाल खूब धक्का मुक्की भी की गई जिस तों बाद मौके ते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और यह ड्रामा होर वध गया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे की वजह जानने के लिए असीं उस नौजवान नाल गल की जिस नौजवान ट्रैफिक मुलाजम ने मोटरसाइकिल ना रोकने के कारण जख्मी कर दिता सी। इस नौजवान शुभम दी मनिए ता उसकी मां रेलवे विच काम करती है ट्रेना बंद होने के कारण रोज अपनी मां नू लैण दे लई मोटरसाइकिल ते ही कुरुक्षेत्र तो अंबाला आउंदा जांदा है। अज भी अपनी मां नू लैके अंबाला तो वापस अपने घर वल जा रहा सी ता विच रस्ते अचानक ट्रैफिक मुलाजम ने उस नू रुकण दा इशारा किया। मोटरसाइकिल दी स्पीड तेज होने के कारण वह नहीं रोक पाया ता ट्रैफिक मुलाजम ने उसके मुंह ते डंडा दे मारिया। शुभम नाम है जी। क्या हुआ यार? उधर से आ रहे थे जी, इसने एकदम रोका मेरे को बाइक थोड़ी, मतलब मैं पीछे ट्रैफिक करता तो मैं बाइक रोकने लगा, एकदम इसने डंडा मारा मेरे यहाँ पे। तो फिर आप गिर गए बाइक से? बाइक से गिरे नहीं। हाँ। मैं रोकने लगा एकदम उसने डंडा मारा, एकदम तो रुकने से रही बाइक, पीछे लेडीज बैठी हुई आपको पता ही है, बाइक रोकने लगा इसने डंडा मारा मेरे, एकदम मेरे को दिखना बंद हो गया। फिर इसने वहाँ जाके बाइक की चाबी निकाल ली, ऊपर से उल्टा सीधा बोलने लग रहा। बेटे कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? घर जा रहे थे कुरुक्षेत्र अपने। यहाँ जॉब करती है मम्मी रेलवे में। रेलवे में? हाँ जी, यार्ड में, यहाँ ऑफिस है मम्मी का। तो मतलब अभी ट्रेनें वगैरह चल नहीं रही है तो इस करके मैं ही लेके आ रहा था मम्मी को, रोज मैं ही लेके जाता था। सर जी मैं जॉब करती हूँ यहाँ BCN यार्ड में, रेलवे में। अब लॉकडाउन चला है, गाड़ी बस कोई है नहीं, इसके साथ मोटरसाइकिल पे आती हूँ, मेरा बेटा है ये। अब देखो आप एकदम स्पीड से आएगा, आप एकदम ही रुकेगा। अब जब इन्हें एकदम चल दी मोटरसाइकिल पे डंडा मारा, ये देख लो यहाँ से यहाँ तक, अब दिख नज़र आएगा बच्चे को कुछ? आप ही सोचो हमारी गलती क्या है। या तो इसने रोक के ना हो, एकदम ब्रेक मारेगा ऊपर ही चढ़ जाएगी इसके। तो उसके बाद क्या हुआ, ये झगड़ा अभी हुआ? झगड़ा तो ये अब वो तो ये तो इन्होंने एकदम मोटरसाइकिल के होकर बोंड करूंगा गड्डी, बोंड करूंगा गड्डी, किस बात में? बात तो कोई नहीं हुई है, अब इन्होंने छूटते ही डंडा मारा, क्या तरीके है ये बताओ। मीडिया के कैमरे के सामने लोगों नाल उलझ रहे ट्रैफिक मुलाजम ने साडे नाल गल कीती तां उन्होंने तां उस उपर लगे सारे इल्जामां नूं निराधार दसदे होए उल्टा शुभम नूं ही कसूरवार दस्सिया है। क्या नाम है आपका? राहुल जी। डंडा क्यों मारा आपने? डंडा मेरी टांग में राड़ पड़ रही थी, मैंने इनको रोकने के लिए कहा, इन्होंने रोक के नहीं मेरे ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाई, यही की बात थी, जमी एकदम सामने की। हाँ। सारी पब्लिक देख रही थी जी। हाँ। ये सरदार जी हैं, इनका मतलब पता नहीं है क्या क्या नहीं, उन्होंने वर्दी पाड़ी जी मेरी। हाँ। उन्होंने मोटरसाइकिल मेरे ऊपर चढ़ाई, मेरी टांग में पहली फ्रैक्चर है जी, तो अगर हमें डंडा मारना पड़ा मजबूरी में, हेलमेट उनके सिर पर नहीं था जी, कान में उनके लीड लग रही थी जी। हाँ जी ये बात हुई, और इसके बाद हाँ ये बात हुई जी, तो कर का इन्होंने बाइक मेरे ऊपर चढ़ाई जी। हाँ जी हाथा भाई हैं सरदार जी, इन्होंने पता नहीं क्या नशा कर रखा, क्या नहीं हमको इस बारे में कुछ नहीं पता, इन्होंने मेरी वर्दी फाड़ी जी, ये रही यहाँ पे। नो यहाँ पे और भी कैमरे चल रहे थे, सारा कुछ चल रहा था यहाँ, किसी मर्जी का वीडियो क्लिप निकलवा सकते हो आप। इन्होंने वर्दी फाड़ी, मेरा झपट्टा मारा मेरे साथ। हाँ जी। इस हाई वोल्टेज ड्रामे नूं वेख रहे एक सिख नौजवान ने पुलिस मुलाजम वालों कीते गए इस दुर्व्यवहार नूं बर्दाश्त ना कीता गया अते पुलिस मुलाजम ते ही टुट पिया अते उस नूं खूब भला बुरा किया। हालांकि बाद विच पुलिस मुलाजम दे बाकी साथी भी मौके ते आ गए, हंगामा कर रहे नौजवान नूं PCR च पा के नाल ही लाल कुर्ती चौंकी च लै गए। इस बारे में अभी तक हमारे पास कोई ऐसी रिटन में कोई कंप्लेंट नहीं आई है, कंप्लेंट आएगी तो जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। फिलहाल कोई उसको जो है गाड़ी में बिठा कर ले गए पुलिसकर्मी, कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? अभी उसको लेके गए हैं, अगर ट्रीटमेंट के लिए तो दवाई दवाई वगैरह दवाने के लिए ले गए होंगे, और अगर वो रिटर्न में कोई कंप्लेंट देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। और जो एक और युवक जो पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई कर रहा है उसको भी लेकर गए हैं, ये जाँच का विषय है, अगर जाँच में कोई बात सामने आई तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। कोरोना वायरस के कारण मुल्क के सब हिस्सों लॉकडाउन लगा है, पुलिस कुछ इसे तरीके सख्ती नाल लॉकडाउन लागू करवा रही है। हालांकि लोगों की भी जिम्मेवारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और लॉकडाउन के नियमों की पालना की जाए, पर इस तरह की तस्वीर थां थां तो सामने आ रही हैं जो कई सवाल खड़े कर दी हैं। सिख न्यूज एक्सप्रेस लई अमन कपूर अंबाला।
साडे यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब करो।